इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लोरेंट फोर्स क्या होता है और इसे हम कैसे समझ सकते हैं। तो आइए समझते हैं व्हाट इज लोरेंट फोर्स। तो दोस्तों लोरेंट फोर्स को समझने के लिए हम समझते हैं चार्ज पर लगने वाले फोर्सेस। चार्ज पर फोर्स किस तरीके से लगते हैं और कैसे कैसे इसको हम समझ सकते हैं। तो दोस्तों पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला चार्ज पर फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड में दोस्तों अगर मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा मान लेते हैं ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव 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 और ये है निगेटिव निगेटिव निगेटिव। अब अगर यहां पर कोई चार्ज है तब इस पर एक फोर्स लगता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तब होता क्या है इस चार्ज पर एक फोर्स लगता है और इस चार्ज में मोशन होता है। दैट मीन्स अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तब ये निगेटिव की ओर जाएगा, अगर ये निगेटिव चार्ज है तब ये पॉजिटिव की ओर जाएगा। इस तरीके से इस पर फोर्स लगता है। तो यहां पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई पर। तब यहां से फोर्स बन जाता है एफ इक्वल्स टू क्यू ई। यहां पर एफ फोर्स है एंड ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और क्यू यहां पर चार्ज है। Q इक्वल्स टू होता है एन ई, जहां पर एन नंबर ऑफ चार्ज एंड ई आइडेंटिटी ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से देख सकते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज फोर्स लगता है तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लगता है, यहां पर होता है डॉट। दैट मीन्स अगर किसी भी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करते हैं तब उसके पैरेलल में एक फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरीके से यहां पर देखेंगे F इक्वल्स टू क्यू ई। इसको मान लेते हैं इक्वेशन वन। दोस्तों अब बात करते हैं चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड में ये फोर्स लगता है उसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक फोर्स। ऐसा मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये। कोई मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन अंदर की ओर है। अब अगर यहां पर कोई चार्ज हो ई तब इस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता है, नहीं लगता है। लेकिन अगर इसके अंदर कोई वेलोसिटी बी से मूव करे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो ऐसा मान लेते हैं यहां पर देखेंगे अब ये रुका हुआ है, इस पर कोई भी फोर्स यहां पर अप्लाई नहीं हुआ मैग्नेटिक फील्ड से क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। तो इस तरीके से ऐसा मान लेते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन है या कोई भी चार्ज पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी वी है। ये मैग्नेटिक फील्ड में जो ये चार्ज है ये वी वेलोसिटी से मूव करता है इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तब इस पर एक फोर्स लगता है। तब ऐसा मान लेते हैं यहाँ पर बहुत सारे चार्ज हैं, चार्ज क्यू, क्यू इज इक्वल्स टू होता है एन ई। तब यहां पर फोर्स लिख सकते हैं एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। यहां पर देखेंगे जहां पर क्यू चार्ज है बी वेलोसिटी है बी मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहां पर देखेंगे वेलोसिटी एंड बी दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है वहां पर कोई भी फोर्स नहीं लगता है, लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर तब वहां पर एक फोर्स लगता है। यहां पर देखेंगे ये होता है वेक्टर क्वांटिटी, ये होती है वेक्टर, ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। इस तरीके से ये फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड में और ये फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तब यहां पर दो रिजल्टेंट आपको मिलते हैं क्योंकि यहां पर दो वेरिएबल है, एक चार्ज और एक इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहां पर देख सकते हैं बी मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, यहां पर अगर बात करते हैं पैरामीटर तो चार हो जाते हैं चार। तो इस तरीके से ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये थोड़ा सिंपल होता है। और इन दोनों फोर्सों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको लिख सकते हैं एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। और इसी इक्वेशन को हम कहते हैं लोरेंट फोर्स, यानी कि चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है और चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है दोनों का एडिशन, ये वाली इक्वेशन कहलाती है लोरेंट फोर्स। तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ में वेलोसिटी का होना भी जरूरी है। अगर वेलोसिटी जीरो हो तब ये वाला फोर्स जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है तब वहां पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो वेलोसिटी तब भी वहां पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो
तो यहाँ पर किसी भी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई होने के लिए वेलोसिटी हो और वो भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, और दोनों का एडिशन कहलाता है लोरेंट्ज़ फोर्स।